नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अपडेट हमारे पास इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, जहां पर इंग्लैंड की जो क्रिकेट हम कह सकते हैं कि बोर्ड है, वो यहां पर इंग्लिश क्रिकेटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है IPL 2022 के लिए। क्या है पूरा माजरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। तो और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो यार बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट आ रही है दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस को लेकर। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को लेकर अपडेट है। अपडेट ये है कि भाई साहब, इन्होंने अपना जो जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर है वो चेंज कर दिया है। यहां पर पहले सैमसंग हुआ करता था, लेकिन अब स्लाइस जो है वो इनका मेन टाइटल स्पॉन्सर होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रही है पैट कमिंस को लेकर। भाई साहब पैट कमिंस ने कंफर्म कर दिया है, ठप्पा लगा दिया है, मोहर लगा दिया है कि भाई साहब मैं आईपीएल 2022 में खेलने जा रहा हूं, मेरा मतलब कोई भी ना नहीं है मेरी तरफ से, बिल्कुल मैं अपना नाम दे रहा हूँ और अपना नाम दे रहा हूँ। तो भाई साहब करोड़ों में ये लेके भी जाएंगे, 15.5 करोड़ से 2 सीजन के KKR की तरफ से खेल चुके हैं, और इस बार भी काफ़ी टीमें होंगी जो कि इनके पीछे जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों ICC मेंस टेस्ट टीम को लेकर। दोस्तों अभी हाल ही में T20 टीम अनाउंस की थी ICC ने, अब ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जिसमें रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और तीसरा नाम है ऋषभ पंत का। ये 3 भारतीय खिलाड़ी इस बार इसमें शामिल है और विलियमसन इस टीम का कप्तान है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो दोस्तों इसका जो शेड्यूल है वो आज शाम को 5 बजे जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के ग्रुप में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश 3 टीमें हैं, और जो 2 टीमें होंगी वो ग्रुप स्टेज में जो जीत के आएंगी वो आएंगी, मतलब कमज़ोर टीमें होंगी, लेकिन 3 टीमें हैं, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। और दोस्तों वही चीज़ हुई है 2021 वाली, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में अच्छी अच्छी टीमें होंगी ना, तो फिर आप कंपीट करते हैं 2 मैच हारने के बाद भी। लेकिन अगर इस स्टेज पर अगर आप 2 मैच हार जाते हैं अच्छी टीमों से, तो फिर बांग्लादेश से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इन बड़ी टीमों को हरा देंगी, तो ये ज़रूर नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। बाकी दोस्तों शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पर आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों जीत सकते हैं। ये 85 प्लस ब्रांचेस पर ऑपरेट होता है और 24/7 का आपको इसमें विड्रॉल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, तो नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों स्विगी को लेकर। स्विगी दोस्तों यहां पर कोशिश कर रहा है BCCI से IPL 2022 में एक स्पॉन्सरशिप डील लेने की, क्योंकि जो मेन स्पॉन्सर होते हैं क्रेड, पावर प्ले होता है, इसके अलावा ड्रीम 11, गेम चेंजर, और मतलब ये सारे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं तो वो उनके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। तो उसी ऑफिशियल पार्टनर की लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है स्विगी, जो कि एक फूड कंपनी है, बेसिकली फूड सप्लाइंग कंपनी है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली का एंगर जो है ना वो मैदान पर मिस है, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व जो कप्तान है सलमान भट्ट, उन्होंने बयान दिया है कि विराट कोहली का वो एंग्री रूप जो है ना वो देखने को नहीं मिला है मैदान पर। और दोस्तों बात भी सही है, क्योंकि उस तरह से विराट अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही विराट हमें उसी अंदाज में देखने को मिलेगी। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों यहां पर RCB, KKR और पंजाब को लेकर। भाई साहब ये 3 रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, ये अंदर की खबर है कि ये तीनों जो फ्रेंचाइजी है ना वो बिल्कुल पीछे पड़ने वाली है श्रेयस अय्यर के कप्तानी के रोल के लिए, क्योंकि इनके पास कप्तान नहीं है और कप्तान चाहिए, तो भाई साहब श्रेयस अय्यर ही एक ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के लिए सोना चांदी सब होने वाला है, मतलब करोड़ों में वो जाने वाले हैं। 7 करोड़ पहले उनकी पैकेज थी, लेकिन अब हो सकता है कि 11-12 करोड़ तक चली जाए। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को लेकर। दोस्तों हमारी मेन अपडेट है दोस्तों, भाई साहब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो यहां पर अपने इंग्लिश क्रिकेटर्स को IPL 2022 में खेलने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। उसके पीछे का रीजन है एशेज में ऑस्ट्रेलिया से हार। भाई साहब एशेज अभी हुआ है और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से धोया है, तो ऐसे में बनता भी है कि यार इतनी बुरी तरीके से अगर आप हार रहे हैं तो फिर आप IPL को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है कि हमारे खिलाड़ी IPL को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो इसीलिए वो ये फैसला ले सकता है। और दोस्तों ये फैसला सही नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं, मॉर्गन, बेयरस्टो, बिलिंग्स, सैम करन, तो मोइन अली, तो इनका मतलब इस तरह से बाहर जाना थोड़ा सही नहीं होगा। और इसके अलावा एक और रीज़न होगा कि इंग्लैंड के प्लेयर्स अगर आते हैं ना तो वो लास्ट
लास्ट में अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में सीरीज है और ऐसे में जो क्लैश होगा ना क्वालिफायर्स का वो यहाँ पर होगा इंग्लैंड के जो टेस्ट शेड्यूल है उसका और आईपीएल 2022 का, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों बाकी जो भी कोई अपडेट आएगी हम आपको इंस्टेंटली टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप अगर आपने वहाँ पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी, बाद में यूट्यूब पर आती है वो। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।